नमस्कार दोस्तों, मैं पेंटर रमाकांत। हम लेकर आए हैं एक चित्रकारी जो कि हम आपको एक दिल बनाकर दिखाएंगे, और उसमें जो शादी विवाह में लोग बनाते हैं, तो हमने पहले क्या किया है आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको भी जैसे हम वीडियो बताएंगे तो आप भी सीख सकते हैं पेंटिंग बनाना। यदि अगर आप पेंटिंग बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है पेंटर रमाकांत। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि दिल कैसे बनाया जाता है। तो हमने पहले पेंसिल से स्केच किया था और उसमें कलर चढ़ा रहे हैं नीले कलर का। ये देखिए, पहले सिंगल किया और हमने ये डबल कर दिया। डबल करने से दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। तो आप भी चाहें तो इसको मैं इसी तरह बना सकते हैं। ये अभी सिंगल बना और एक और हम बनाएंगे, ताकि लड़का और लड़की का नाम लिख सकें। और दोस्तों, यदि आप भी चित्रकारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारे चैनल में आपको सीखने के लिए भरपूर जानकारी दी जाएगी, जैसे पेंटिंग बनाना और कलर की जानकारी, कौन सा कलर कहाँ यूज करना है, ब्रश की जानकारी, चित्रकारी कैसे करते हैं, ये सब जानकारी आपको हम देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने अभी पीले कलर को इसमें पूरी तरह भर दिए हैं और इसमें भी पूरी तरह भर दिए। फिर इसके बाद में हमने इसमें जो है ये कलश में भी हमने नहीं किया था, इसमें कलश में भी कर दिए, ताकि ये पीले कलर लगाने से थोड़ा खूबसूरती बढ़ जाती है। और ये हमने एक और कलर लाल इसके अंदर कर दिए और इसमें दोनों में बढ़िया तरीके से इसमें बना देंगे, ताकि और अच्छा खूबसूरत दिखे। और इसके बाद हम नाम लिख देंगे लड़के और लड़कियों का, लड़की का। तो दोस्तों, शादी विवाह में दिगर अब भी दिगर ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो पे, फिर उसी तरह आप बना सकते हैं। शहनाई बनाना और दिल बनाना, मतलब जितनी भी चित्रकारी है हम आपको सब बताएंगे। यदि दोस्तों आप भी हमारी तरह पेंटिंग करना सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी जानकारी देंगे आपको कि कैसे पेंटिंग किया जाता है, लिखा जाता है। और तो दोस्तों, ये देखिए, हमने एक लाइनिंग और कर दिया, फिर छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, मतलब इसमें क्या होता है कि थोड़ी खूबसूरती जितनी आप बढ़ा सकते हो उतनी, आप ना भी करें तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, और फिर इसके बाद में हम इसमें बनाने के बाद हम नाम लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए कैसे ये बना हुआ है, और ये हम नाम लिखेंगे इसमें लड़के का है, ये लड़के की शादी हो रही है मेरे भांजे की, उसके अंदर नाम है। तो मैं सोचा कि चलो आज वीडियो बनाते हैं। अब पहले तो मैं, आपने देखा होगा मेरे चैनल में संगीत वाले वीडियो भी पड़े हुए हैं, पहले मैं संगीत वाले वीडियो डालता था, फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप पेंटिंग वाला काम करते हो तो पेंटिंग वाले भी वीडियो सिखाएं लोगों को। दोस्तों, मैं सोचा कि चलो हम भी आप लोगों को सिखाएं। दोस्तों, ये देखिए राइटिंग कैसे करना है, आपको ध्यान रहे कि लिखते समय हमारा ब्रश से जब लिखाई करते हैं तो
बहे नहीं, ताकि हमारी लिखावट सही तरीके से आए, खूबसूरत लगे। और ये हमने ब्रश जो है तो 12 नंबर का ब्रश से लिख रहे हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ की जानकारी यदि अगर आपको पेंटिंग सीखनी है तो हर चीज़ की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।